1526 to 1707. इधर लिखिए, सबसे पहला रूलर बाबर, बाबर का टाइम पीरियड 1526 टू 1530, ये करेगा एक्सपेंशन। पता चलता है बाबर नामा से, इसके कंटेम्प्रेरी थे राणा सांगा और कृष्णदेव राय। राणा सांगा एंड कृष्णदेव राय। इसके अलावा बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, ठीक, 1530 टू 1540, और इसके बाद 1555 टू 56। स्ट्रगल, इसी के बाद यहां पे बीच में आएगा सूर एम्पायर, ठीक है, 1540 से लेके 1555 तक। हुमायूं बीचों बीच अकबर, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिफॉर्म, तीनों। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अकबर वॉज रूलर और रिफॉर्मर, रूलर और रिफॉर्मर। उसके बाद शहजादे सलीम, जहांगीर। अच्छा, अकबर का टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 1556 टू 1604, इसका लिखिएगा 1605 टू 1628। जहांगीर जो है कलाकार आदमी है, सलीम नाम के लोग कलाकार होते ही, ठीक। इट इज द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग एट द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां इस इसका टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है गोल्डन एरा ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मिक आर्किटेक्चर। और लास्ट औरंगजेब, इसका टाइम पीरियड है 1628 से लेकर 1658। औरंगजेब, एक्सपेंशन,
लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इसके टाइम पे होता है, नो कंसोलिडेशन। एम्पायर क्या होगा? गिर जाएगा, बिकॉज कंसोलिडेशन इज मस्ट। लाइन लिखिए, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा पहन के सो गया। लिखो भाई, लिखो, मजाक थोड़ा चल रहा है। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा पहन के सो गया। ठीक है, यही है बाबर की कहानी, मेरी जुबानी। लास्ट पॉइंट नहीं लिखा, अरे तो बाद में लिखना। अरे बाद में लिखना उसको। 1526 पानीपत 1527 कानवा 1528 चंदेरी 1529 घग्घर, चंदेरी, घग्घर, खानवा, पानीपत। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा पहन के सो गया। 1530 डेथ। आराम बाग में आराम फरमाते हैं। उसके बाद इनको ले जाया जाता है कहां? काबुल। पानीपत किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी। खानवा, संग्राम सिंह। चंदेरी, मदनी राय। घग्घर, महमूद लोधी। यहां कोई जगह है बल, इधर पास में ही है, कौन सी वैली है? पतरापुर। पतरापुर का पहले नाम क्या था? पतरापुर उसको नाम था। ये मेदनी राय जो है यहीं से था, झारखंड से ही था, मतलब झारखंड तो पहले था ही नहीं, इसी एरिया से था। पता नहीं उसका क्या नाम था, मेरे को एक जगह नहीं याद है, बट मेदनी राय वाज फ्रॉम हियर। उसके बाद ये जाता है मध्य प्रदेश, चंदेरी। अभी जो मूवी आई थी आपकी, कौन सी, स्त्री 2, उसकी शूटिंग यही हुई है चंदेरी के किले में। देखिए, इन बैटल ऑफ खानवा, इन बैटल ऑफ खानवा बाबर टुक द टाइटल ऑफ काजी। बाबर टुक द टाइटल ऑफ काजी। टाइटल ऑफ काजी मींस स्लेयर ऑफ एनिमीज, स्लेयर
Jihad was announced to be the title of Qazi, which means leader of the Middle East. And Jihad was announced for the first time in India. For the first time in India. Bracket mein kahin likh lijiye, Jihad means fighting the inner and outer evil. Jihad means fighting the inner and outer evil. अपने अंदर और अपने बाहर के जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको मारने का नाम था जिहाद. It was the term, ये लिखना नहीं है, सुनना है. It was the term coined by Sufi saints. कि अगर आपको सूफिया आना अंदाज चाहिए और आप सूफी कहलाना चाहते हैं तो अपने अंदर जो पाप है, अपने अंदर जो डाउट है, उनको क्या करिए, मारिए. और ये क्या है, जिहाद किसके लिए, अल्लाह के लिए. फिर इस्लाम में करप्शन हो गया. जब करप्शन हुआ तो कुछ सूफी सेंट्स जो है, जैसे खानकास, कई सारे वो है, सुहारवादी है, चिश्ती है, खानकास है, तो खानकास वगैरह जो थे ये लोग पॉलिटिक्स में आने लगते. जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया. क्या, कि जिहाद करो. जिहाद का मतलब इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया, कि अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ना जो है वो क्या है, जिहाद है. और जब तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हो तो किसके लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ रहे हो. लड़ो, मर जाओ, जाओगे कहाँ, जन्नत में. और जन्नत में तुमको क्या मिलेंगी, 72 बोरे मिलेंगे. जितने भी सैनिक होते थे पागल हो जाते थे, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं, 72 बोरे नहीं मिलती, ठीक. एक डिस्क्रिप्शन है, कभी कुरान वुरान पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको जन्नत का जिक्र, कि वहां फवारे चल रहे हैं शहद के, ठीक है, खूब सारी तो ड्रिंक वगैरह है वहां पर चल रहा है. तो तुम यहाँ अच्छे काम करो, यहाँ न ड्रिंक को हाथ लगाओ न बाकी कुछ काम करो. जब तुम मरोगे तब वहां जब जाओगे तब तुम्हें ड्रिंक मिलेगा, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे हिंदू में. हिंदुओं में जब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा तब तुम स्वर्ग लो जाओगे, वहां तुम्हारे पास अवसर आएगी मिलने का. लो जहां पर ग्लास लो, उसमें वहां जाकर कुछ नहीं मिलने वाला है, सब फालतू की बातें हैं. इसको पहुंचाते थे सोल्जर्स को, ताकि वो लोग मरने मारने पे उतारू हो जाए, क्योंकि उनको तो कोई मिल नहीं रहा है यहाँ. जीतने के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बारबरी लोग हैं, तरक्की है, लड़ने हैं, उनका काम पैसा देके खाना मिल जाए, वही बहुत बात. तो असली मतलब जो है जिहाद का ये होता है. इट इज अ टर्म कॉइन्ड बाय सूफी सेंट्स, उसका मतलब आज के टाइम पे बहुत बदल गया है, ठीक है. अब लोग बम फोड़ने को जिहाद बोल देते हैं. लिखो, In the year 1530, Babur died. His cenotaph, C-E-N-O-T-A-P-H. Hello? Cenotaph समझते हो ना? नहीं समझते हो? अरे जिसमें रखा जाता है बॉडी को बरी करने के लिए. His cenotaph was buried in आराम बाग ऑफ आगरा, then shifted to काबुल, then shifted to काबुल. बस हाँ, he also wrote बाबरनामा, which is his autobiography. In Babarnama, he has mentioned Sangram Singh and
कृष्ण देव राय, संग्राम सिंह एंड कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। उसके बाद हेडिंग डालिए हुमायूं। किसी को मालूम है हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमा और यूं, कौन सा रूप? लंबी आयु। हुमायूं का मतलब तुम कह रही हो, मान लेते हैं। लिखो हुमायूं, जो ब्लेस हो। टाइम पीरियड आपको बताइए 15:30, 15:40। मिलते हैं हुमायूं जो ब्रेक के बाद। हाँ लगा देते हैं आपकी जो आज्ञा। सरकार तो तुम्हारी है। Thank you.
Thank you.